सर्वे नमो नमः मम नाम डॉक्टर लूनेश कुमार वर्मा व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छछान्पेरी जिला रायपुर मध्ये अहम पदस्थोस् अद वह पठा दसम्या संस्कृत विषय पाठ से नाम प्रियः प्रिय प्यारे बच्चों यह जो पाठ है प्राणेभ्योपि भी प्रिय सुहृद यह ऐतिहासिक पाठ है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित यह पाठ मुद्रा राक्षस नामक नाटक का अंश है मुद्राराक्षस नाटक को विशाख महाकवि विशाख दत्त ने लिखा था अब जानते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं तो ईसा पूर्व तीसरी चौथी शताब्दी में नंद वंश की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक थे महापद्मनंद और इस नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद घनानंद ने एक बार दरबार में आचार्य चाणक्य का अपमान किया था और वे उस अपमान का उनसे बदला लेने के लिए यह कहते हैं कि मैं नंद वंश का समूल विनाश करूंगा तो इस तरह से उस दिन के पश्चात घनानंद नंद वंश के अंतिम सम्राट घनानंद के विरुद्ध अपने अभियान में जी जान से जुट गए और उन्होंने चंद्रगुप्त नामक एक साथी की सहायता से उस नंद वंश के सम्राट घनानंद का विनाश कर दिया जब नंद वंश के अंतिम सम्राट घनानंद का विनाश हो गया इसके पश्चात राजगद्दी पर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को विराजमान किया अब उस मगध के नंदवंश जहाँ राज कर रहा था वो मगध स्थान था वहाँ चंद्रगुप्त का राज्य निष्कंटक हो इसके लिए आवश्यक था कि वहाँ के राजकाज को चलाने में जो अमात्य की भूमिका में थे उन्हें कहा जाता था राक्षस अमात्य राक्षस राक्षस उसका नाम था जैसे आपका हमारा अपना अपना नाम है उसी तरह से उस नंद वंश के अंतिम सम्राट घनानंद का जो अमात्य था अर्थात महामंत्री था उसका नाम था राक्षस वह राजनीति का चतुर खिलाड़ी था उसके सहयोग से चाणक्य चंद्रगुप्त के साम्राज्य को भली भांति सुचारू रूप से चलाना चाहता था लेकिन जब घनानंद का समूल विनाश हो गया तब उसका अमात्य अर्थात वह राक्षस भूमिगत हो गया था अर्थात सामने नहीं आया अब उस अमात्य के खोज में चाणक्य उसके जो विभिन्न संबंधी थे परिवारजन थे व्यापारीजन थे मित्रगण थे इनकी सहायता से उन्हें पकड़ने का प्रयास वे करने लगे ऐसे ही उपक्रम में वे चंदन दास नामक एक मणिकार व्यापारी था मणिश्रेष्ठ व्यापारी उसको पकड़ता है और उससे अमात्य के विषय में विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त करने का उपक्रम करता है तो वहाँ पर का यह अंश है तो प्रस्तुत पाठ मुद्रा राक्षस नाटक के प्रथम अंक से लिया गया है आइए इस पाठ को हम सुनते हैं इसके पश्चात फिर इसका अध्ययन करेंगे सुहृद प्रस्तुत नाट्यांश महाकवि विसाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षसम नामक नाटक के प्रथम अंक से उद्धृत किया गया है नंदवंश का विनाश करने के बाद उसके हितैषियों को खोज खोज कर पकड़वाने के क्रम में चाणक्य अमात्य राक्षस एवं उसके कुटुंबियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चंदन दास से वार्तालाप करता है किंतु चाणक्य को अमात्य राक्षस के विषय में कोई सुराग न देता हुआ चंदनदास अपनी मित्रता पर कायम रहता है उसके मैत्री भाव से प्रसन्न होता हुआ भी चाणक्य जब उसे राजदंड का भय दिखाता है तब चंदनदास राजदंड भोगने के लिए भी सहर्ष प्रस्तुत हो जाता है इस प्रकार अपने सुहृद के लिए प्राणों का भी उत्सर्ग करने के लिए तत्पर चंदन दास अपनी सुहृद निष्ठा का एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करता है चाणक्य वत्स मणिकारे चंदन दास द्रष्टुच्छा शिष्य तथेति चंदन दासन सह प्रविश्य इत श्रेष्ठीन उभौरम शिष्य उपसृत्य उपाध्याय चंदनदासः चंदनदास चंदनदा श्रेष्ठिन स्वागत ते अ प्रचीयते संव्यवहाराण वृद्धिलाभा चंदन दास आत्मगतम, अत्यादरह संकनिया, प्रकाशम, अतकिम, आर्यश्च प्रसादेन अखंडिता मेवणिजा, चाणक्य ह, भोश्रेष्ठिन, पृथाप्या प्रकृतिभ्या प्रतिप्रिय मिच्छंति राजाना ह, चंदन दास आग्या पाया तो आर्य हा किम कियत्य जनादिस्यते इति चाणक्य भो श्रेष्ठिन चंद्रगुप्त राज्य मिदम न नंद राज्यम नंदस्यायु अर्थ संबंधा प्रीति मुद पाद यति चंद्रगुप्त स्यतु एव चंदनदासः दास आर्य अनुग्रहितोष्मी चाणक्यः भो श्रेष्ठिन स चापरिक्लेष कथमा वीर भवति इति ननु भवता प्रष्टव्याहस्मः चन्दनदासः आज्ञापयतु आर्यः चाणक्यः राजनी अविरुद्ध वृत्तिर्भव चन्दनदासः आर्य कह पुनर धन्यो राज्ञो विरुद्ध इति आर्यणावगम्यते चाणक्यः भवानेवतावत् प्रथमम् चन्दनदासः कर्णौपि धाय शांतं पापं शांतं पापं की दृष्टृणा नाम अग्निनासः विरोधः अयमिदृशो विरोधः यत् राजा पत्य कारणः अमात्य राक्षसस्य गृह जनम स्वगृह रक्षसी चंदन दास आर्य अलीक में के आर्याय निवेदितम् चाणक्य भो श्रेष्ठिन अलमाशंकया भीता पूर्वराज पुरुषा पौराणाम गृहेशु गृह जनम निक्षिप्य देशांतरम व्रजंती ततस्तत्प्रच्छादनं दोषमुत्पादयति चन्दनदासः एवं नु इदं तस्मिन् समये आसीत् तस्मिन् समये आसीदस्मद् गृहे अमात्यराक्षसस्य गृहजन इति चाणक्यः पूर्वम् अनृतम् इदानीम् आसीत् इति परस्परविरुद्धे वचने चन्दनदासः आर्यः

कि मे भय दर्शयसी सतमी गेहे अमात्यराक्षस्य गृहजनम न समर्पया किनरसाणक्य चंदनदास्व निश्चय चंदनदाढ़ मे निश्चय चाणक्य स्वगत साधु साधु सुलभे स्वर्थ लाभे सुपर संवेदने जने किमिदं दुष्करं कुर्यादिदानीं सीना विना प्यारे बच्चों अभी आपने सुना प्राणेभ्योपि प्रिय सुहृद इस नाटक का अंश ध्यान दीजिएगा जब हम नाटक की बात करते हैं तो इसमें विभिन्न संवाद होते हैं संवाद आपने देखा यहाँ संवाद है चाणक्य का शिष्य का चंदन दास का तो इस तरह से नाट्यांश जो होते हैं इनमें विभिन्न पात्र होते हैं और नाटक जो होता है इसका मंचन किया जाता है जैसे रंगमंच में आप जो लीला देखते हैं या नाटक देखते हैं प्रहसन देखते हैं इसी तरह से यह जो नाटक है नाट्यांश है इसका भी मंचन किया जाता है आप भी इसका मंचन कर सकते हैं तो इस पाठ में आ, नाटक में आप देखेंगे नाटक में कुछ चीजें होती हैं जिनको बोल कर बताई जाती हैं कुछ चीजें होती हैं जिनको करके बताया जाता है लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें पात्र अपने मन में सोचता है वह बोलता नहीं है लेकिन वह मन में क्या सोच रहा है इसको एक नाटककार कैसे बताएगा तब इसके लिए वहाँ पर आत्मगतम शब्द का प्रयोग किया जाता है अर्थात आत्मगतम मन में अर्थात कोई पात्र किसी विषय वस्तु या दूसरे पात्र के विषय में जो कुछ भी सोचता है इसको हमको दर्शकों तक या श्रोताओं तक बताने के लिए हमें इस आत्मगतम शब्द का प्रयोग करना होता है इस नाट्यांश में भी आप देखेंगे इस तरह के शब्द देखने को मिलेंगे इसी तरह तो यह तो बात हो गई मन में जो बातें कह रहा है कोई पात्र उसकी बात लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको वह प्रकट रूप से करता है अर्थात सबको बताकर कहता है तब इसके लिए प्रयोग किया जाता है शब्द प्रकाशम अर्थात प्रकाश में अर्थात सबको सुनाते हुए बोलता है आत्मगतम में जो कथन होगा उसको नाटक कर दिखाएगा तो जरूर हाँ इस पात्र का कथन है और आत्मगतम अर्थात यह पात्र अपने मन में उन बातों को सोच रहा है यह बताता है और प्रकाशम अर्थात जिसको प्रकट रूप में सबसे वह कहता है कुछ चीजें होती हैं जैसे पात्र आपस में कहीं जाते हैं या घूमते हैं तो यहां पर उसको कोष्टक का प्रयोग किया जाता है तो कोष्टक में जो चीजें कही जाती हैं ये प्रकट नहीं होती हैं ये अव्यक्त होता है जिसका स्पष्टीकरण या प्रकटीकरण मंच पर किया जाता है जैसे उभौ परिक्रामत यह शब्द आप देख रहे हैं इस नाट्यांश में आया है आपने सुना है भी तो इसका प्रयोग कहाँ होगा जब विभिन्न पात्र मंच पर आते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान वे जाते हैं तब इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है आइए हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं चाणक्य कथन से यह नाक्यांश प्रारंभ हो रहा है तो चाणक्य कहता है चाणक्य का संवाद है इसलिए चाणक्य आपको एक किनारे पर दिखाई दे रहा है और उसके बाद देश है तो चाणक्य चाणक्य कहता है वत्स मणिकारेष्ठम चंदन दास चंदन दास मिदानी प्रद्रष्टुम इच्छा चाणक्य कहता है वत्स मणिकारेम चंदन दास मिदानी द्रष्टुम्छा अर्थात वत्स या सिपाहियों इस समय मणिकार श्रेष्ठनम जो मणिकार है अर्थात मणियों का जो व्यापारी है श्रेष्ठ मतलब होता है सेठ है व्यापारी तो मणियों का जो व्यापारी है कौन चंदनदास मिदानीम चंदन दास को इदानीम इदानीम यह अव्यय पद है और इसका अर्थ होता है इस समय इस समय मैं मणियों के व्यापारी चंदन दास को द्रष्टुम इच्छा द्रष्टुम देखने की इच्छा इच्छा करता हूं वत्स सिपाहियों सैनिकों शिष्यों मैं इस समय मणियों के व्यापारी चंदन दास को देखने की इच्छा करता हूं अर्थात उससे मैं मिलना चाहता हूँ क्यों मिलना चाहते हैं क्योंकि ये चंदन दास वही व्यक्ति है जिसका उस अमात्य राक्षस से मधुर संबंध पहले था अर्थात अभी चाणक्य को कहीं से यह हाँ सूचना मिली कि उस अमात्य राक्षस के जो परिजन हैं वे चंदन दास के घर में छिपे हुए हैं या चंदन दास को उसके संबंधियों के छुपे हुए होने की जानकारी है इसलिए उस चंदन दास से चाणक्य उस बात को पता करने के लिए जानने के लिए उससे मिलना चाहते हैं उनसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं बातचीत करना चाहते हैं तो इसलिए वे कहते हैं वत्स्य मणिकार श्रेष्ठ नम चंदन दास मिदानीम द्रष्टुम इच्छा प्यारे बच्चों यहाँ पर एक शब्द आया है द्रष्टुम द्रष्टुम शब्द कैसे बनता है आप जानते हैं दृश्य धातु है। और तुमुन प्रत्यय तो दृष्ट धातु में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है तब वहां पर शब्द बनता है दृष्टुम और इसका तात्पर्य होता है तुमुन प्रत्यय जो होता है यह के लिए अर्थ में प्रयुक्त तो होता है और इस प्रत्यय का जब किसी धातु के साथ प्रयोग होता है तब इसका अर्थ जो है के लिए अर्थ में होता है तो दृश्य का तात्पर्य होता है देखना और तुमन प्रत्यय का योग हो गया तो शब्द बन गया दृष्टुम इस तरह से इसका अर्थ क्या होगा हाँ बिल्कुल सही इसका अर्थ होगा देखने के लिए तो चाणक्य जो है अपने शिष्यों के माध्यम से इस समय चंदन दास से मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं अब चाणक्य कौन था चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मगध के सिंहासन पर आरूढ़ किया था अर्थात वो वहाँ का महामंत्री था आचार्य था उसके अनुसार से वहाँ का राजकाज का संचालन सुचारू रूप से कैसे हो इस विषय में चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों मिलकर रणनीतियाँ बनाते हैं और दो उनको वे अमली जामा पहनाने का कार्य करते हैं तो चाणक्य इसी तरह के कार्यों में लगा हुआ है और वे अपने शिष्यों को यह आदेश देते हैं कि वे चंदन दास को शीघ्र उपस्थित करें मुझे उनसे कुछ बातचीत करनी है पूछताछ करनी है तो चंदन दास के इस प्रकार कहे जाने पर शिष्य शिष्य कहता है तथेति ऐसा ही हो जैसा आप आज्ञा दे रहे हैं उस आज्ञा का यथाशीघ्र पालन किया जाए ऐसा कहते हैं और निष्क्रम्य चंदन दासेन सह प्रवृष्य इत इत श्रेष्ठिन उभौ परिक्राम तो शिष्य कहता है तथेति तथा तथेति यहां पर गुण स्वर संधि का प्रयोग हुआ है तथा मतलब वैसा ही इति मतलब हो तो वैसा ही हो अर्थात आप जैसा कह रहे हैं उस आज्ञा का तुरंत पालन किया जाए शीघ्र ही पालन किया जाए निष्क्रम्य शब्द जो है ये कैसे बनता है निस उपसर्ग है उपसर्ग क्रम धातु है और ल प्रत्यय है और इसका तात्पर्य होता है घूम कर चंदन दासेन सह चंदन दास में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है इसलिए शब्द बना चंदन दासेन अर्थात यहां पर चंदन दास में तृतीय भ्यक्ति का प्रयोग क्यों हुआ क्योंकि यहां पर सह एक पद है सह का अर्थ होता है साथ सह योगे तृतीय भवती योग में सह का योग जिस शब्द के साथ हो उस शब्द में तृतीय भक्ति का प्रयोग किया जाता है इसलिए यहां चंदन दास में तृतीय भक्ति का प्रयोग हुआ है तो निष्क्रम्य घूमकर चंदन सह प्रविश्य और चंदन दास के साथ प्रवेश कर इत इत श्रेष्ठेन यहां यहां आओ सेठ व्यापारी ऐसा वो शिष्य कहता है तो प्रविश्य प्रविष्य शब्द कैसे बनता है प्र उपसर्ग है विष धातु है और लप प्रत्यय है तो प्रविष्य मतलब होता है प्रवेश करके इत इतः यहां यहां श्रेष्ठिन अर्थात देखिए वह जो शिष्य है वह सेठ के साथ में उस राजमहल में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के पश्चात उसको संकेत करता है कि आप उधर नहीं इधर इधर आओ ऐसा करके शिष्य उसको कहता है इतः इतः श्रेष्ठेन तो उभौ परिक्र और वे दोनों चंदनदास और शिष्य दोनों जो है घूमते हैं और घूम करके चाणक्य के समीप आ, उपस्थित होते हैं चाणक्य के समक्ष उपस्थित होते हैं अब वहाँ उपस्थित हो गए फिर शिष्य वह जो शिष्य है जिसको आदेश दिया गया था कि मैं चंदन दास से मिलना चाहता हूँ शीघ्र उन्हें मेरे सामने लाओ किसने कहा था चाणक्य ने कहा था तब उस चाणक्य के समक्ष वह शिष्य चंदन दास के समक्ष उपस्थित होता है और पुनः शिष्य उपसृत्य समीप जाकर उप यहाँ उपसर्ग है श्री धातु है और प्रत्यय है तो इस तरह से इसका तात्पर्य होता है समीप जाकर या पास जाकर उपाध्याय हे उपाध्याय हे आचार्य अयम श्रेष्ठी चंदन दास यह सेठ चंदन दास जिनसे आप मिलना चाहते थे तो अयम यह पद जो है इदम शब्द से बना है इदम शब्द जो होता है इसके तीनों रिंग इसके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं यहां पर जो प्रयुक्त हुआ है यह इदम प्रथम विभक्ति वचन पूर्णिंग का यह रूप है तो इसका तात्पर्य है इम का तात्पर्य होता है यह श्रेष्ठी मतलब सेठ चंदन दास चंदन दास यह, यह, यह सेठ चंदन दास हैं ऐसा शिष्य जो है उनका परिचय कराते हैं अब शिष्य ने तो परिचय करा दिया फिर चंदन दास कहता है क्या कहता है चंदन दास जयत् जय तु धन आर्य इति त्वार्य अर्थात आर्य की जय हो जय तु जी धातु लोटलकार प्रथम पुरुष एक वचन का ही रूप है तो आर्य की जय जै हो जयत् जय तु धन आर्य यहां पर यण संधि का प्रयोग हुआ है तो आर्य की जय हो ऐसा देखिए जब यदि हम राजदरबारों की बात करें तो वहाँ कोई भी सामान्य व्यक्ति जब राजा के समक्ष या आचार्य के समक्ष जाता है तो उनका अभिवादन करना ये कर्तव्य होता है तो ऐसे ही कर्तव्य का निर्वहन यहाँ चंदन दास करता है क्यों क्योंकि वह आचार्य चाणक्य के समक्ष उपस्थित हुआ है इसलिए कहता है जय त्वार्य आर्य की जय हो चाणक्य अब उसको देखकर चाणक्य कहते हैं क्या कहते हैं श्रेष्ठिन स्वागतम ते अरे सेठ जी स्वागतम ते तुम्हारा स्वागत है हमारे राजदरबार में तुम्हारा स्वागत है ते यह जो शब्द है युष्म का रूप है और इसका तात्पर्य होता है तव ते इसका प्रयोग होता है षष्ठ विभक्ति वचन तो तेज रूप है क्या है ये ष्ठी भक्ति एक वचन युष्म का रूप है तो स्वागतम ते सेठ तुम्हारा स्वागत है अपि प्रची अंत्ये सम्यवहाराणाम वृद्धि लाभ ये जो चंदन दास है ये घनानंद के दरबार में उनके शासन काल में एक अच्छा व्यापारी था तो शासन बदले या वही रहे व्यापारी तो वही होते हैं तो शासन भले बदल गया अब घनानंद के स्थान पर चंद्रगुप्त शासक बन गया लेकिन व्यापारी तो वही हैं तो अब यहाँ पर चाणक्य चंदन दास से पूछते हैं क्या पूछते हैं अपी सम समव्यवहाराणाम वृद्धि लाभ अब शासन तो बदल गया है लेकिन आप जो व्यापारी हैं वो तो वही हैं और अब आपका जो व्यापार है व्यापार में जैसे पहले लाभ होता था घनानंद के समय में वैसा ही लाभ अब चंद्रगुप्त के समय में भी हो रहा होगा कहते हैं अपि प्रचीयंत समव्यवहाराणाम वृद्धि लाभ अर्थात समव्यवहाराणाम व्यापारियों का वृद्धि लाभ वृद्धि लाभ अर्थात लाभ में वृद्धि प्रचीयंते हो रहा है प्रचीयंते यह ची धातु है उत्सर्ग है और इसका तात्पर्य होता है वृद्धि वृद्धि प्राप्तवंती वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं अपि प्रचियंते समव्यवहारण वृद्धि लाभ इसका तात्पर्य हुआ कि व्यापारियों का चंद्रगुप्त के शासन में भी व्यापार में लाभ हो रहा है ऐसा चंदन दास चाणक्य जो है चंदन दास से पूछते हैं अब चंदन दास क्या कहता है चंदन दास कुछ कहने से पहले सोचता है इसलिए प्रयोग किया गया है आत्मगतम आत्मगतम मन में अर्थात वो किसी से बात नहीं करता केवल मन में विचार करता है संकनीय अत्यादर अत्यादरह, अति धन आदर इति अत्यादर यहां पर स्वर संधि का प्रयोग हुआ है अति का मतलब होता है बहुत और आदर का मतलब होता है सम्मान जब अकारण अत्यधिक सम्मान हो तब क्या होता है तब कहता है अत्यादर संकनीय जब अकारण बहुत अधिक किसी का सम्मान हो तो यह सहज नहीं होता है अपितु तो संकनीय अर्थात शंका उत्पन्न करने वाला होता है कुछ अनिष्ट होने वाला है होता है इसकी सूचक होता है ऐसा वह चंदन दास व्यापारी जो है अपने मन में सोचता है फिर प्रकाशम अब इतना तो वह सोच लिया अब फिर सामने कहता है क्या कहता है अथ किम और क्या अरे पहले जैसा वह लाभ होता था वैसा अभी भी हो रहा है और नहीं होगा तो और क्या होगा ऐसा वह कहता है फिर कहता है आर्यस्य प्रसादेन अखंडता में वणिज्या आर्यस्य आपके आर्य के अर्थात आपके प्रसादेन प्रसन्नता से प्रसाद शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है इसका तात्पर्य हुआ प्रसादन प्रसन्नता से आपकी प्रसन्नता से अखंडिता में वणिज्य वणिज्य मतलब होता है व्यापार में मतलब हुआ मेरा यहाँ पर भी अस्मद शब्द है ष्ठी विभक्ति एक वचन का यह रूप है और इसका तात्पर्य होता है मेरा अखंडिता अर्थात खंडित नहीं है अर्थात जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है मेरे व्यापार में कोई रुकावट नहीं हो रही है अखंडता यह जो शब्द है यह समासिक पद है समास अलग करें तो न खंडिता इति अखंडिता यह यहाँ नए तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है तो आपके आपकी प्रसन्नता से आपकी कृपा से मेरा व्यापार अखंडित है अर्थात मेरे व्यापार में कोई बाधा नहीं है ऐसा चंदन दास कहता है फिर चाणक्य तब चाणक्य कहता है श्रेष्ठिन हे सेठ अर्थात हमारे शासन काल में तुम व्यापारियों का कार्य अच्छा चल रहा है तुम सभी प्रसन्न हो अच्छी बात है जब तुम प्रसन्न हो तो तुम्हारी जो प्रसन्नता है इससे राजा भी कुछ चाहते हैं क्या चाहते है? हैं कहते प्रीताभ्य प्रसन्न लोगों के प्रति प्रकृतिभ्य स्वभाव से ही प्रति प्रियम उपकार के बदले प्रतिकार इच्छन्ति चाहते हैं कौन चाहते हैं है राजा जो है उपकार के बदले कुछ प्रतिकार भी चाहते हैं अब हमारे राज्य में चंद्रगुप्त के राज्य में जब तुम्हारा व्यापार लाभ को प्राप्त कर रहा है अर्थात तुम उन्नति को प्राप्त कर रहा हो तब तुम्हारा भी यह दायित्व तो बनता है कि तुम भी राजा की सहायता करो अर्थात राजा को तुम भी प्रसन्न करो क्यों क्योंकि राजा के दरबार में राजा के शासनकाल में तुम प्रसन्न हो इसलिए तुम्हारे कार्यों से भी राजा को प्रसन्नता होनी चाहिए यही राजा जो प्रतिकार तुमसे चाहते हैं तो चंदन दास कहता है आज्ञा पया तो आर्य आर्य आज्ञा दीजिए किम कियत इति किम क्या और कितना अस्मजना और हम व्यापारियों के लिए आदिश्यते क्या आदेश दिया जाता है ऐसा कौन सा कार्य है जिसको हम करें जिससे राजा प्रसन्न हो अस्मत अस्मज्जनादिश्यते यह जो शब्द है संधियुक्त पद है संधि अलग करें अस्मत धन जन धन आदिश्य अस्मत धन जन यहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ जन धन आदिश्यते यहां स्वर संधि का प्रयोग हुआ और आदिश्यते कहते हैं तो आदेश आ दिश और विधिलिंग आदिश्यते आदेश दिया जाता है अस्मत जनादेश अर्थात हम व्यापारियों को आपके द्वारा अर्थात शासन पक्ष के द्वारा क्या आदेश दिया जाता है किम की क्या और कितना आदेश दिया जा रहा है अर्थात आप आज्ञा दीजिए मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं करने के लिए सहर्ष तत्पर हूं ऐसा चंदनदास कहता है